अस्सलामुअलैकुम। सो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे एक न्यू प्रॉम्प्ट शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप भी कुछ इस तरह की 3D AI इमेज क्रिएट करा सकते हो। इस प्रॉम्प्ट से आप चाहो तो बॉयज या गर्ल्स के लिए अलग अलग इमेज क्रिएट करा सकते हो, और अगर आप चाहो तो कपल्स के लिए भी इमेज क्रिएट करा सकते हो जिसमें रियलिस्टिक बॉय एंड गर्ल दोनों हो, और इनकी टी शर्ट पे अपना नाम डालकर बहुत सारी इस तरह की 3D AI इमेज जनरेट करा सकते हो जस्ट वन टैप पे। तो इसके लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च करना है Bing Image Creator। यहाँ पे पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। आप यहाँ पे ड्रेसिंग में जो कलर रखना चाहें तो वो ऐड कर लेंगे, और इसके बाद इस जगह अपना नेम ऐड कर लेंगे। चेंजेस करने के बाद हम क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इमेज क्रिएट हो रही है तो हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि इमेज क्रिएट हो चुकी है। हम इनमें से कोई भी इमेज ओपन कर लेते हैं। सो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी इमेज क्रिएट हो चुकी है। हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड पे प्रेस कर देते हैं। अब हम बैक आ जाते हैं। ये प्रॉम्प्ट था बॉयज के लिए, अब हम गर्ल्स के लिए इमेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को रिमूव करना होगा। रिमूव करने के बाद एक न्यू प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने एक न्यू प्रॉम्प्ट ऐड कर लिया है। आप इस जगह ड्रेसिंग में अपना फेवरेट कलर ऐड कर लेंगे, और इसके बाद अपना नेम ऐड कर लेंगे। चेंजेस करने के बाद हम क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इमेज क्रिएट हो चुकी है। हम इनमें से कोई भी इमेज ओपन कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी इमेज क्रिएट हो चुकी है। हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम बैक आ जाते हैं। तो व्यूअर्स, अब बारी आती है कपल इमेज क्रिएट करने की। तो इसके लिए हम इस प्रॉम्प्ट को रिमूव कर देंगे और एक न्यू प्रॉम्प्ट ऐड कर देंगे। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने एक न्यू प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया है। इस जगह आप ड्रेसिंग में अपना फेवरेट कलर ऐड कर लेंगे, और इस जगह भी एक कलर ऐड कर लेंगे। इस जगह मेल करेक्टर का नेम ऐड कर लेंगे, और इस जगह फीमेल करेक्टर का नेम ऐड कर लेंगे। इसमें चेंजेस करने के बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि दोबारा बहुत ही प्यारी कपल इमेज जनरेट हो चुकी है। हम इनमें से कोई भी इमेज ओपन कर लेते हैं। सो गाइस, बहुत ही प्यारी इमेज क्रिएट हो चुकी है। हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम बैक आ जाते हैं। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये इमेज पसंद नहीं आती तो आपने दोबारा क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे दोबारा क्रिएट होने वाली इमेज पहले से काफी चेंज होंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिएट होने वाली इमेज पहले से काफी चेंज हो चुकी है। अगर आपको सीखना है कि इन पिक्चर में अपना फेस कैसे ऐड किया जाए तो ये एंड स्क्रीन पे वीडियो है, आप इसमें आसानी सीख सकते हैं।